दादी की गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बैंगन के पौधे के बारे में बताऊंगी कि बैंगन भी आप अपनी छत पर उगा सकते हैं। और ये मेरे छोटे से पौधे में देखो कितने बैंगन लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं, पीछे भी लगे हुए हैं। और इस पौधे में भी देखो कितने बैंगन लगे हुए हैं, ये इधर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं। और इस बैंगन के पौधे में मैं केवल अपने घर के कचरे से किचन की वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल के छिलकों से कैसे खाद बनाकर मैं इनमें डालती हूँ और कैसे ये ऑर्गेनिक बैंगन आप भी अपनी छत पर लगा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको किचन की कचरे से वेस्ट से खाद कैसे बनाते हैं ये आपको बताया था। आप मेरे पीछे उसमें जाकर देख सकते हैं। और इधर अभी ये बिल्कुल छोटे छोटे से बैंगन के पौधे हैं, इसमें भी ये देखो आप बैंगन के फ्लावर छोटे से आ गए हैं। पर मैं अभी इसको इतने छोटे पौधे को फ्लावरिंग के लिए नहीं छोड़ूंगी, मैं इसकी आज यहाँ से पंचिंग कर दूंगी जिससे ये पौधा अभी हेल्थी हो और इसमें से अभी और बहुत सारी ब्रांचें निकलें, बहुत सारी ब्रांचें निकलें और ये भी मेरे बाकी पौधों की तरह हरा भरा और हेल्थी हो। और ये देखो दोस्तों, ये किचन की गार्डनिंग मैंने बिल्कुल बिना पैसे के वेस्ट से ही बनाई है। ये मैंने फ्रूट की टोकरी, वेजिटेबल की टोकरी होती है, ये सभी पौधे मैंने उन टोकरियों में लगाए हैं। ये देखो ये सभी पौधे मेरे वेजिटेबल की टोकरियों में लगे हैं, बाल्टियों में लगे हैं। ये मेरी मिट्टी का तेल पहले लेते थे हम लोग, तो ये उनकी कैन खाली पड़ी थी। ये पौधे देखो कितने बड़े घने और सुंदर हो गए हैं। दादी माँ की गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आप भी अपनी छत पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाएं दोस्तों। आपका धन्यवाद। आपको मेरी दादी की गार्डनिंग कैसी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और कमेंट कर मुझे अवश्य बताएं।